गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके लिए कहानियाँ लेकर। तो कैसी लगती है आपको कहानी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ज़रूर बताएं। साथ ही अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ, जहाँ पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कहानी शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें, इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी, जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम मानव, मेरी उम्र 22 साल और आज आप सबके सामने हाजिर हूँ 2 साल पहले की एक घटना को लेकर। उस वक्त मैं बैंगलोर आया था, उधर मैं एक कंपनी में जॉब करता था जिसको 2 साल हो गए। मेरे बॉस का नाम आकाश, जिसकी उम्र 30 साल, और उसकी खूबसूरत बीवी जिया, जिसकी उम्र भी 30 साल। जिस कंपनी में मैं काम करता था वो कंपनी 1 साल पहले से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। जिया मैम बहुत ही खूबसूरत थी। मैं आकाश सर के घर 2-3 दफ़ा जा चुका था। अगर सच कहूँ तो मैंने एक बार जिया मैम की याद करके बहुत कुछ सोचा था, जो कुछ दिनों पहले की बात है। इस कंपनी को सर और मैम साथ चलाते। 6 महीने पहले सर ने मुझे बताया था कि अगर ये डील हो गई, मतलब प्रोजेक्ट, तो वो मुझे वो गिफ्ट देंगे जो मैं चाहूँगा, यानी मुँह मांगा। इस प्रोजेक्ट का मेन आइडिया मेरा ही था। 1 साल से मैं और मेरे साथी इस काम को कर रहे थे। उन सबसे बड़ी मेहनत सबसे ज़्यादा की थी मैंने। इस प्रोजेक्ट के जरिए हमारा कंपनी विदेश की कंपनियों के साथ बिजनेस करेगी, जिसमें कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और साथ ही साथ हमारी कंपनी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। आकाश सर और जिया मैम मेरा बहुत सम्मान भी करते थे। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद विदेश कंपनी के साथ हमारी डील हो गई, और जिसके लिए हमारी टीम 1 साल से दिन रात मेहनत कर रही थी। फिर 1 हफ्ते पहले इस डील की खुशी में पार्टी रखी गई थी। उसी दिन मैंने जिया मैम और सबसे खूबसूरत रूप में देखा था। उस दिन मैंने पहली बार जिया मैम के बारे में सोचा भी था। चूँकि अब कंपनी का डील मिल गई तो सर का वादा निभाने का टाइम भी आ गया। उन्होंने खुद ही कहा था अगर ये डील फाइनल हो गई जो मांगा वो मुझे देंगे। जब सर ने मुझे मेरी इच्छा पूछी तो मैंने वो बात बोल दी जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। दरअसल जब से मैंने जिया मैम को पहली बार देखा था ना, मेरे दिल में हलचल मच रही थी। मैंने जोश में आकर सर को बोल दिया कि मुझे जिया मैम के साथ वक्त बिताना है, और मेरी बात सुन के सर गुस्सा हो गए मुझ पर। उनका गुस्सा देख मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैंने उसी वक्त माफ़ी मांगी। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ और वहाँ से चला गया। फिर मैं अपना काम करने लगा। इस बात को करीब 2 हफ्ते बीत गए। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। शुक्र है ये रहा कि इस बात के बारे में कंपनी के बाकी लोगों को कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन सर ने मुझे ऑफिस बुलाया। मैं सर के ऑफिस चला गया और सामने जाकर बैठ गया। दरअसल उस दिन के बाद मैं सर से ज़्यादा बात ही नहीं करता, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं होती। इसलिए मैं उस दिन चुपचाप जाकर बैठ गया। सर ने 1 मिनट देखा, उनको लगा मैं बात नहीं करूँगा। वो बोले कैसे हो मानव। मैं बोला ठीक हूँ सर। सर ने पूछा तुमने वो दिन वाली बात किसी को बताई तो नहीं। मैंने कहा नहीं सर, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो उस रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो बोले जो हो गया उसको तुम भूल जाओ, तुमने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, आज तुम्हारी ही वजह से कंपनी को इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। मैं धन लगा कर सर की बात सुनने लगा। सर बोले देखो, तुम उस दिन जिस काम की बात कर रहे थे वो इच्छा पूरी हो सकती है, इसके लिए मैंने जिया से बात कर ली है, हम दोनों उसके लिए तैयार हैं।
मगर एक बात तुमको ध्यान रखनी होगी, इसकी जरा भी खबर किसी को ना जाए। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, तुम कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गांव जाने का बहाना बना लो, इससे किसी को यहाँ रहने के तुम्हारे बारे में पता नहीं लगेगा। हम लोग 3 दिनों के लिए मुंबई घूमने जाएंगे, वहाँ तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं तो बस हैरान सा हो गया सुनकर, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था, ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था। जो सपना मैंने देखा था वो पूरा होने जा रहा था। उस समय इतनी खुशी हो रही थी, मेरा मन नाचने को कर रहा था, मगर मैंने खुद को किसी तरह से कंट्रोल करके रखा। मेरे मन के अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे थे। मुझे यकीन करना मुश्किल हो गया कि उसके बाद मैं उठकर अपने डेस्क पर आ गया। आकाश सर ने मुझे बोला था, मैंने वैसा ही किया, किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला था। उसके बाद मैं अपने घर गया, सामान पैक करवाया, मैंने पहले ही फ्लाइट बुक कर ली थी। आकाश सर और जिया मैम पहले ही मुंबई के लिए निकल गए। अगले दिन मेरी फ्लाइट थी। अगले सुबह मैं उठा और तैयार होने लगा। मैं जल्दी से तैयार होकर निकल गया। फ्लाइट्स में मुंबई 1 आधे घंटे का सफ़र था। मैं बेसब्री से मुंबई पहुंचने का इंतज़ार करने लगा, पर जहां पर मेरा इंतज़ार सर और जिया मैम कर रहे थे। अब मैं आप लोगों को जिया मैम के बारे में विस्तार से बताता हूँ। जिया मैम की हुस्न की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, उनकी स्माइल बहुत ही खूबसूरत है, वो देखने में बहुत स्टाइलिश भी है। खैर, आधे घंटे बाद मैं मुंबई पहुंच गया। अभी शाम के 7 बज रहे थे। एयरपोर्ट से निकलकर मैंने टैक्सी कर ली। सर ने मुझे होटल का एड्रेस पहले ही भेज दिया था। सर ने एक पेंट हाउस बुक किया था जो समुद्र के किनारे है। पेंट हाउस के बाहर पहुँच कर मैंने किराया दिया और आगे बढ़ा। बाहर एक बड़ी उम्र का वॉचमैन था। मैंने आकाश सर को कॉल किया और उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए कहा। उनके बताए रूम पर पहुंचकर मैंने डोरबेल बजाई तो उन्होंने गेट खोला। मैं अंदर गया, गेट बंद करके सर से हैंडशेक किया। उसके बाद हम लोग अंदर चले गए। मुझे जिया मैम दिखाई नहीं दे रही थी, वो शायद किचन में थी। सर बोले, मानव तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम लोग साथ में खाना खाएंगे। उनका बैग लेकर, अपना बैग लेकर मैं रूम में चला गया। उसके बाद मैं कपड़े लेकर वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर बाद नहा कर आया और तैयार हो गया। सर ने मुझे खाना के लिए कहा। तैयार होकर मैं पहुंचा, हॉल में बैठे आकाश सर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तभी दूसरी ओर से जिया मैम आती दिखाई दी। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा कपड़ा पहना था। उनका यह अंदाज देखकर मैं देखता ही रह गया। उन्होंने मुझे देखकर हेलो किया। मैंने उनको हेलो किया, उसके बाद डाइनिंग टेबल की ओर जाकर बैठ गया। हम तीनों खाना खाने के लिए बैठे थे। जिया मैम सबके लिए खाना सर्व करने लगे। सर ने मुझसे खाना शुरू करने के लिए कहा। आकाश सर ने मुझे खाना शुरू किया। मैं तिरछी नज़रों से जिया मैम की तरफ ही देख रहा था, उनकी हाथ, उनकी कोमल कोमल उंगलियों को। हम तीनों खाना ख़त्म किए, फिर मैं और सर बाहर आ गए। वहाँ पर पीछे की साइड स्विमिंग पूल भी बना था। मैं और आकाश सर खुले आसमान के नीचे सोफे में जाकर बैठ गए। वहाँ से समुद्र का नज़ारा दिख रहा था। मैं और आकाश सर आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। इतने में ही जिया मैम भी बाहर आ गई। उनके साथ हाथ में ड्रिंक्स था, कुछ सोडाज वगैरह थे। जिया मैम ट्रे रखकर आकाश सर के साथ बात करने लगी। वो मेरी ओर देख कर मुस्कुरा रही थी। उसके बाद जिया मैम ने हम तीनों के लिए बैग बनाया। मैं और आकाश सर आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। इतना में ही जिया मैम ने कहा, लो। मैंने कहा मैं ड्रिंक नहीं करता। इतने में आकाश सर बोले, नहीं करते तो ठीक है, आज से ही शुरू करो। मैंने कहा, नहीं सर, मैं नहीं पीऊँगा। जिया मैम बोली, डोंट वरी, ड्रिंक करने पर तुम मर नहीं जाओगे। जिया मैम हम तीनों के लिए बैग बनाई और हम दोनों दोस्त की तरह बन गए। तीनों के लिए पैक बन गया। हम तीनों ग्लास उठाए और सर मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, कैसा लगा मानव? मैंने कहा, गुड, लेकिन टेस्ट थोड़ा अजीब सा लग रहा था। जिया मैम बोली, पहली बार ऐसा ही होता है। इतने में सर बोले, ठीक है, इस बात पर और पैक हो जाए। मैंने कहा, नहीं।
मेरे लिए इतना काफ़ी है। जी हाँ मैम, सर से कहा आकाश इसकी मत सुनो, तुम एक और बनाओ। इस तरह हम लोग प्रोजेक्ट की बात करने लगे, पैक मानने लगे। मेरा मन अब मचलने लगा, जिंदगी में पहली बार मैंने ड्रिंक किया था। और फिर हम लोग कुछ साथ में पल एक साथ बिताए। तो दोस्तों ये थी कहानी मानव की, जो कि अपने ही बॉस की पत्नी को पसंद करने लगा था। वैसे आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? आप इस बारे में क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स में अपनी जवाब जरूर दें। वीडियो पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।